हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सर्विसेबल में आप लोगों का स्वागत है। मैं एक प्लेलिस्ट चालू किया हूं जो कि आप लोग न्यू साइड को स्टार्ट से एंड तक कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लोकल कोऑर्डिनेटर कैसे पकड़ते हैं, कॉन्ट्रिंग कैसे करते हैं, मैनुअली में बाकायदे से आप लोगों को समझा चुका हूं। आज जो वीडियो होने वाला है वो सुपर इम्पोज को लेकर होगा, और जो हम लोग बाउंड्री के दौरान जो हम लोग मैनुअली क्रिएट किया था लोकल कोऑर्डिनेटर पकड़ के, उसको ही उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके दिखाऊंगा और कैसे होता है और कौन सा ड्राइंग हम लोगों को प्रोवाइड कर दे और किस तरीके से हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे, क्या मार्च करेंगे, वही आज दिखाने वाले हैं। आज पार्ट 3 वीडियो है। अगर पिछले 2-3 वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि मैं बताया था आप लोगों को जो कॉन्ट्रिंग करने के बाद आप लोगों को सुपर इम्पोज करना है। तो कॉन्ट्रिंग अगर नहीं आता है तो वीडियो देख लेना, मैं वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा हूँ। डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करना है टोटल डिस्टेंस से, वो भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए बिना लेट में चलते स्क्रीन पर ऑटोकैड और दिखा देता हूँ जो हम लोग जो बनाया थे ड्राइंग उसमें कैसे सुपर इम्पोज किया जाते हैं। सो चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मिलता रहता है हर एक हर्ड है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। अगर मेरे से ऑटोकैड का टोटल लेसन सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पर चले जाना, उधर मेल आई डी है, नंबर है, कहीं पर भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चले स्क्रीन पर और चलने के बाद आप लोग को दिखा दूँ कैसे बाकायदे से हम लोग सुपर इम्पोज कर सकते हैं। सो गाइज, हम लोग अभी आ चुके हैं हमारा लैपटॉप का स्क्रीन पर, और देख सकते हैं हम लोग कहाँ से चालू किया था ना। ये हमारा बाउंड्री प्लॉट था जिधर हम लोग ए और बी टीवीएम बनाया था। जो हमारा पुराना व्यूअर से उसको मालूम है, जो शुरू से हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ए हमारा बाउंड्री हम लोग मैनुअली एक किया था जिसे हम लोग टीवीएम को छोड़े थे। तो उसी बाउंड्री में हम लोग बनाएंगे हमारा प्रोजेक्ट, और यही प्रोजेक्ट में हम डिजाइन किया हूँ कॉन्ट्रिंग, जैसे साइड से सर्वे करने के बाद इसको कॉन्ट्रिंग ड्राइंग बनाना है। तो कैसे बनाना है मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड है, नहीं तो ये वीडियो देख लेना, मैं एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा। तो मान के चलो कोई क्लाइंट आपको इस प्रकार से एक कॉन्ट्रिंग ड्राइंग हैंड ओवर दिया है, नहीं तो आप खुद बना लिया इस प्रकार से। देखो वही प्लॉट में हमारा जो प्लॉट का शेप है देख सकते हैं, इस प्रकार का डायमेंशन भी सेम है। तो ये प्लॉट जो हमारा बना है ये बिल्कुल उसी प्लॉट में हमारा कॉन्ट्रिंग किया है, और कॉन्ट्रिंग ड्राइंग इस प्रकार से बनते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखो इस प्रकार से कॉन्ट्रिंग ड्राइंग अगर आप बना लिया तो अच्छा है, अगर नहीं बनाया तब भी अच्छा है। तो कैसे बनाना है आप लोग देख लेना। तो ये ड्राइंग जब क्लाइंट वालों ने बना के देता है वो एमएम पर बनाता है, ठीक है। हम लोग जो ड्राइंग हमारे पास है ये मीटर पर है, लेकिन वो लोग जो ड्राइंग बनाते हैं वो एमएम पर बनाते हैं, देख सकते हैं एमएम में है, ये भी देख सकते हैं एमएम में है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को पहले दफा कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर, ठीक है। और एक ड्राइंग हमको भेजा है इस प्रकार से, जो प्लान उसका ही जो बाउंड्री है हमारा, ये जो बाउंड्री है उसका एक प्लान ड्राइंग है ये, जिसमें डिजाइन किया हुआ है कहाँ क्या बिल्डिंग है, कहाँ क्या रहेगा। जैसे देख सकते इधर रोड है, इधर एकेडमिक है, इधर पार्किंग है, इधर टाइप 4 टाइप 5, इधर आपका गेस्ट हाउस है, जो भी है स्टूडेंट सेंटर है, पार्किंग है, इधर मेन गेट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है मैं डिजाइन किया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन ये जो ड्राइंग मिलेगा आपको एमएम पर, जो भी आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं वो एमएम में डिजाइन करते हैं। तो पहली दफा हमारे पास बाउंड्री है, ये वाला हमारा बाउंड्री है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट पर है, और ये जो कॉन्ट्रिंग ड्राइंग दिया है हमको, इधर कोऑर्डिनेट आपको डिस्प्ले में शो कर सकते हैं जो कोऑर्डिनेट कहाँ है, लेकिन वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट पर नहीं रहता है, ओनली फॉर टेक्स्ट का मुताबिक कोऑर्डिनेट में दिया जाता है। नहीं तो आप लोगों को नॉर्थ के हिसाब से मान के चलो एक डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगा, जैसे नॉर्थ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इधर आपको नॉर्थ डिसाइड दिया रहता है जो कहाँ आपका नॉर्थ रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको देख के बैठाना है। तो मैं दिखा देता हूँ, तो अभी आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको एमएम से मीटर पर। तो हम लोग अभी कन्वर्ट करेंगे एमएम टू मीटर। तो एमएम टू मीटर कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को सिलेक्ट करना है, कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप एससी कमांड दे दीजिए एससी, उसके बाद डिस्प्ले में क्लिक कर दीजिए, अभी 0.001 एंटर कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, वो स्केल में छोटा हो जाएगा जो आपका मीटर है। मैं बहुत सारा वीडियो में दिखाया हूँ आप लोगों को कैसे स्केलिंग करना है, तो इस प्रकार से स्केलिंग कर लिया। तो स्केलिंग का 2 मेथड है, जैसे इस प्रकार से भी आप लोग स्केलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग एलाइगन का थ्रू भी कर सकते हैं। मैं 2 तरीका दिखा देता हूं। तो इसको सपोज हम डिलीट कर देता हूं, और डिलीट करने के बाद आपको इसको मान के चलो मैं अंडू कर लेता हूं, आप इसको डिलीट करके भी फेस कर सकते हैं, मान के चलो ये आपका जो भी है डायमेंशन वगैरह आप डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो एनोटेशन में जाकर
आप इधर स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे तो आपका डायमेंशन जो है छोटा हो जाएगा। तो हम फिलहाल इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट। और देखो हमारा जो है ये मीटर में अभी कॉन्वर्ट हो चुका है, बहुत ही छोटा हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या है, हम इसको अलाइगन करेंगे। अलाइगन से कैसे होता है, तो अंडू करेंगे, अंडू जैसे पहले था। ओके, तो अंडू हो चुका है। तो अभी हमारा डायमेंशन हमारा क्या था, ओरिजिनली डायमेंशन जो था, हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे, ये था हमारा 144 मीटर 460। ओके, 144 मीटर 460। तो 144 मीटर 460 का हम लोग एक लाइन खींचेंगे। तो 144 मीटर 460, तो पॉली लाइन एंटर, और इधर हम उसी एंगल पर खींचेंगे जैसे हमारा टेरा ना हो जाए। इधर क्लिक करेंगे और पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा इधर क्लिक नहीं करेंगे, इधर सिर्फ कर्सर को होल्ड करेंगे और 144 मीटर 460 एंटर करेंगे। ओके, और देख सकते हैं हमारे पास एक लाइन आ चुका है बहुत ही छोटा, और इसको हम क्लिक करेंगे, पॉलीलाइन को मूव कर लेंगे, मूव, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाकर छोड़ देंगे इधर। ओके, अभी ये ड्राइंग को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। अभी अलाइगन कमांड देंगे, AL एंटर। अभी हम ए वाला कोने में क्लिक करेंगे जहाँ हमको सिलेक्ट करना है ए वाला, और क्लिक करने के बाद हम जो लाइन खींचे थे लाइन में क्लिक करेंगे पहले दफ़ा ए पॉइंट में, और दूसरा पॉइंट जो हमारा था इसमें क्लिक करेंगे, और इसमें क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे ये दोबारा लाइन पर इसमें। ओके, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे और यस कर देंगे, और देखो हमारा जो ड्राइंग है वो हमारा परफेक्ट डायमेंशन के साथ बैठ चुका है। अभी इसको हम डिलीट कर देंगे, ज़रूरी नहीं है हम लोगों को, अगर आपको चाहिए तो आप एनोटेशन में जाके कर सकते हैं। तो ये हमारा स्केलिंग हो चुका है। अगर आपको डायमेंशन चेक करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, डी आई कमांड दीजिए, उसके बाद देख सकते हैं इधर क्लिक कर लीजिए और इस साइड क्लिक कर लीजिए, और देख सकते हैं जो डायमेंशन हम लोग डाले थे वही आ रहे। ओके, तो ये दो तरीका है आपको स्केलिंग करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है प्लान दिया है इसको भी आपको उसी तरह से स्केलिंग करना है, जैसे कि इसको सिलेक्ट करना, एस सी कमांड दे देना और उसके बाद क्लिक करना और 0.001 एंटर कर देना, ये भी छोटा हो जाएगा, नहीं तो इसको भी उसी तरह आप लोग स्केलिंग कर सकते हैं। समझ गया कैसे अलाइगन करना है, और इसको भी डायमेंशन की तरह मैं दिखाई देता हूँ, नहीं तो बोलेगा सर दिखाया नहीं। तो इसको हम अंडू कर देता हूँ, अंडू। ओके, तो इधर हम लाइन खींचेंगे एक, इसी का पैरालल में खींचेंगे क्योंकि हमारा जो लाइन है जो एंगल है उसको डिस्टर्ब होना नहीं है। इसमें क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे इधर सिर्फ लाइन सीधा करने के लिए। अभी 144.460 एंटर करेंगे, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, राइट क्लिक एंटर। अभी ए लाइन को हम लोग मूव कर लेंगे, मूव, और इधर रखेंगे। तो इसका डायमेंशन एक बार चेक कर लेंगे हमारा क्या आ रहा है, तो डायमेंशन हमारा 144 मीटर 460 बिल्कुल आ रहा है। तो इसको हम अलाइन करेंगे, ड्राइंग को सेट कर लेंगे पूरा, नॉर्थ को भी सिलेक्ट करेंगे। अभी अलाइन कमांड देंगे, ए एल एंटर। अभी इसमें क्लिक करेंगे और इसमें सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, इसमें सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, यस। तो हमारा ड्राइंग अलाइगन हो चुका है। आप लोग इसी तरीके से आप लोग जाकर कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कोई भी ड्राइंग हो। तो हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद इसको हम कॉपी करेंगे। इसको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट सिमिलर जो भी डायमेंशन है, क्लिपबोर्ड, सॉरी सिलेक्ट सिमिलर, और डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा जो ड्राइंग है वो परफेक्टली मेजरमेंट हो चुका है, स्केलिंग हो चुका है। तो अभी इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड, कॉपी विद बेस पॉइंट, डिस्प्ले में क्लिक। अभी हम लोग की प्लान में आ जाएंगे, जो हमारा प्लान था, हम लोग इधर क्लिक करेंगे, क्लिपबोर्ड और पेस्ट ब्लॉक, हम इस साइड रखेंगे इसको, और कंट्रोल जो ड्राइंग है हम इसको भी कॉपी करेंगे, राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड, कॉपी विद बेस पॉइंट, डिस्प्ले में क्लिक, की प्लान में आ जाएंगे, और हम इसको भी क्लिपबोर्ड, पेस्ट विद ब्लॉक, हम इसको भी इस साइड रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ड्राइंग तो आ चुके हैं, कुछ इश्यूज नहीं। हम पहले
लेकर आए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो मैं पहले से लेकर रखा हूँ इधर, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस साइड रखा हूँ। तो देखो अभी हमारा जो कोऑर्डिनेट है, ये देखो हमारा कोऑर्डिनेट वाला ड्राइंग है। तो कोऑर्डिनेट वाला ड्राइंग में आप लोगों को कैसे सेट करना है मैं वही तरीका दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो आप लोग डायरेक्ट जो बड़ा आपका पास ड्राइंग था, इसको अंडू कर देता हूँ। ये जो आपके पास एमएम में ड्राइंग था, आप डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करके, क्लिपबोर्ड करके, कॉपी विद बेस पॉइंट करके, डिस्प्ले में क्लिक करके इधर ला के भी स्केलिंग कर सकते हैं, कुछ इश्यूज नहीं। इधर पेस्ट विद ब्लॉक इधर रख दीजिए, और रखने के बाद देखो इधर बड़ा हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ से भी स्केलिंग कर सकते हैं अलाइगन का थ्रू। मैं छोटा करके इसलिए लेकर आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसको डिलीट कर दो। तो अभी हम लोग इसी को फिर से अलाइनमेंट कर देंगे हमारा जो प्लॉट है इसमें। तो एक का ऊपर में एक को बैठाऊंगा, वो आसान रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। तो मैं इसको एक लेयर बना देता हूँ फिलहाल। तो लेयर न्यू लेयर में जाऊंगा क्योंकि बंद करने के लिए आसान होगा। आप LA कमांड देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी लेयर प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, एंटर। तो लेयर में हम आ चुके हैं, इधर हम लोग क्लिक करेंगे न्यू लेयर, इसमें क्लिक कर देंगे और आप लिख सकते हैं कॉन्टूर, कॉन्टूर लिख दिया, ओके। और एक लेयर हम लोग बनाएंगे जिसका नाम हम लोग देंगे, इधर क्लिक कर दिया न्यू लेयर, फिर से आ गया प्लान, LAN प्लान, एंटर करेंगे। तो दो हमारे पास ये ऑलरेडी बोल रहे हैं एग्जिट है, तो इसको हम दूसरा नाम देंगे प्लांट वन दे देता हूँ, एंटर। प्लांट वन और हमारा कॉन्ट्रिंग दो लेयर हम लोग बना लिया, ओके, एंटर कर क्लिक कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो अभी इसको सिलेक्ट करेंगे और लेयर में आएंगे इधर, और इधर हम लोग कॉन्ट्रोल सी प्रेस करेंगे, सी। तो जितना सारा सी देकर हमारा नेम है वो शो करेगा। तो देख सकते हैं हमारे पास कॉन्ट्रोलिंग कहाँ है, कॉन्ट्रोल देखो ये वाला है कॉन्ट्रोल, इसमें सिलेक्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, जब भी क्लिक करोगे इधर लेयर शो करेगा कॉन्ट्रोल्स बोल के, ठीक है। तो अभी प्लांट को भी हम लेयर बना देते हैं, प्लांट का जो है प्लांट को सिलेक्ट किया और हम पी दबाएंगे कीपैड पर, पी पी फॉर प्लांट आएगा, प्लांट वन हम लोग नाम दिए थे, ये वाला प्लांट वन आ गया, ओके। इसमें क्लिक कर देंगे और हमारा जो लेयर है इसमें ऐड हो चुका है, देखो इसमें सिलेक्ट करेंगे तो प्लांट वन बता रहा है इधर, ठीक है। तो अभी हम लोगों को काम क्या है, एक का ऊपर एक सुपर इम्पोज करना है, मार्च करना है। तो इसको सिलेक्ट करो, फिर से अलाइगन करना है आपको, AL एंटर, और ये जो डायमेंशन है आपके पास ए डायमेंशन में क्लिक और ए डायमेंशन में क्लिक, उसके बाद फिर से इधर क्लिक और फिर से इधर क्लिक, अभी राइट क्लिक, यस कर दीजिए। ये जो ड्राइंग है आपका जो बाउंड्री है उसमें बैठ चुका है, देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से आपका जो बाउंड्री है उसमें बैठ चुका है, क्योंकि जो हमारा डायमेंशन था वही आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको भी आप चेक कर सकते हैं, जो आपके पास ये प्लान है सही है कि गलत, तो इसको भी डायमेंशन का मान यहाँ से ले सकते हैं अलाइकन को, और इसमें क्लिक कर दीजिए और इसमें क्लिक करिए, और डायमेंशन जो है आपका बार बार वही आना है, देखो आ रहा है प्रॉपर स्केल पर ही है, क्योंकि हम लोग स्केल करके लेकर आया था। अगर आप लोग स्केल करके लेकर नहीं आ रहे तब आप अलाइनमेंट इजीली कर सकते हैं, नहीं भी आप लोग अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं आपको 0-0 काम होने के लिए। तो देख सकते हैं जो डायमेंशन है ये हमारा डायमेंशन सेम बार बार है। तो अभी हम इसके ऊपर इसको मार्च करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रोलिंग ड्रॉइंग हम लोग मार्च कर दिया, और ये जो ग्रिड का एलिवेशन है कटिंग फिलिंग के लिए बहुत हमारा काम में आता है। ड्रॉइंग को मार्च करने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारा तरीका है, जैसे एक अलाइगेंट हो गया, मान के चलो इसको स्केल करके रखे हैं आप पहले से, तो इसको आप मूव करके भी डायरेक्ट बिठा सकते हैं, जैसे सिलेक्ट कर लीजिए प्रॉपर एंगल पर है, मूव मूव करके आप डायरेक्ट इसको क्लिक करिए जो बेस पॉइंट देना चाहते हैं, और आपका जो बेस पॉइंट है आपको मालूम है उधर जाकर आपको इधर क्लिक कर दीजिए, और देखो इजिली वही ड्राॅइंग के ऊपर बैठ जाएगा जो आपका ड्राॅइंग था, देख सकते हैं वो बैठ चुका है आपका जो ड्राॅइंग था, बैठ गया इजिली, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग इजीली बैठा सकते हैं अलाइगन करके, क्या बगैर अलाइनमेंट में। अगर इसको भी आप अलाइगन करना चाहते हैं तो अंडू कर दीजिए, अंडू, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, AL एंटर, और ए वाला पॉइंट में क्लिक और ए वाला पॉइंट में क्लिक, फिर से ए वाला पॉइंट में क्लिक, फिर से ए वाला पॉइंट में क्लिक। देखो ये हो गया हमारा प्लान सेट, ठीक है। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, यस करो
और देखो ये प्लान हमारा सेट हो चुका है कोऑर्डिनेट पर। अभी हमारा कॉन्ट्रोलिंग ड्राइंग को जरूरी नहीं है, तो हम लोग कॉन्ट्रोलिंग ड्राइंग को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, लेयर में क्लिक किया और कॉन्ट्रोल का जो लेयर है हम लोग कॉन्ट्रोल का लेयर बंद कर देंगे। ट्रीज भी कर सकते हैं, नहीं तो बाल्फ वाला जो आइकॉन है आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको फ्रीज कर देता हूँ, और फ्रीज और लेयर ऑफ एक ही काम होता है, लेकिन आपका जो रनिंग लेयर है उसको आप कभी भी फ्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा एक फेस देख सकते हैं, प्लान ड्राइंग बन चुका है। जैसे मैं आप लोगों से वादा किया था जो प्लान डिजाइन करके दिखाऊंगा, तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग ड्राइंग को सेट कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, मैं आप लोगों को टाक्चर ड्राइंग को इसका ऊपर बैठा के दिखाऊंगा, देन आप लोगों को धीरे धीरे कैसे साइड में वर्किंग करना है मैं समझाऊंगा। देखो आप लोगों के पास क्या था ना, ए वी कोऑर्डिनेट था, देखो टीबीएम, तो टीबीएम को हम लोग कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं हमारा मुताबिक। तो अभी कोऑर्डिनेट देखो वही कोऑर्डिनेट आएगा, मैं एपी करके अपलोड कर लेता हूँ हमारा जो आईडीडी लिप्स है, और इसको हम लोड कर लिया लिप्स को और आईडीडी दे दिया, और इसका कमांड है आईडीडी, इसका कमांड है आईडीडी आईडीडी, ओके। अभी देखो जो हमारा कोऑर्डिनेट था वही पक्का कोऑर्डिनेट ही आ रहा है, क्योंकि हम चेंज नहीं किया, अब लोगों को दिखाने के लिए वही रखा हूँ। अभी आपका ड्राइंग कोऑर्डिनेट पर सेट हो चुका है। हम लोग शुरू से यही सीखा, क्या सीखा ना, लोकल कोऑर्डिनेट पकड़ के कैसे साइड को सेट करना है, बाउंड्री टोपोग्राफी कैसे करना है, उसके बाद कॉन्ट्रिंग कैसे करना है, उसके बाद ड्राइंग को हमारा लोकल कोऑर्डिनेट का दौरान जो बाउंड्री उठाया था उसको कैसे सेट करना है। तो देखो एक सेटबैक लाइन होता है बाउंड्री, जब प्लान डिजाइन होता है सेटबैक मीन्स सेटबैक जो लाइन है इसको छोड़ के हम लोगों को कोई भी प्लान को डिजाइन करना पड़ता है। जैसे कि बाउंड्री छोड़ के ये जो आउटर लाइन है हमारा बाउंड्री है, जिसमें डिस्टेंस शो कर रहे हैं, सेटबैक लाइन होता है जिसमें हम लोग छोड़ के काम करते हैं कोई भी साइड का, उसके अंदर हमारा प्लान डिजाइन होता है। तो ये हमारा एंट्री है, गेट हो गया, पार्किंग है इधर, और रोड है इधर, एकेडमिक बिल्डिंग, स्टूडेंट सेंटर, कन्वीनियंस सेंटर, इधर गेस्ट हाउस है, इधर गेस्ट हाउस है, इधर भी गेस्ट हाउस है, इधर भी गेस्ट हाउस है, ये हमारा कैंटीन है, कैंटीन में भी पार्किंग है। इस प्रकार से एक छोटा मोटा मैं डिजाइन करके दिखाया हूँ। इधर डाइट सेंटर है और बाकी सब ग्रीन एरिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाता जाऊंगा जो कैसे क्या होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मिलता रहता है मेरे चैनल पर हर वीक हर डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट क्या कुछ समस्या है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे जुड़ के भी ग्रुप में एसएमएस कर सकते हैं, और फेसबुक जो हमारा पेज है उसमें जाकर थोड़ा सा सपोर्ट कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो इसका टक्चर डिजाइन कैसे करना है, टक्चर बैठाना है और कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है फिर भी बताऊंगा दोबारा से, जो टक्चर को इसके ऊपर कैसे सुपर इम्पोज करना है। सेम फंडा है, आप लोगों को समझना है थोड़ा सा और कुछ नहीं। तो हमने चलो आईडीडी, आईडीडी कहां पर भी दोगे तो ये कोऑर्डिनेट आपको जनरेट करके दे देगा, क्योंकि आपका प्लान कोऑर्डिनेट पर सेट हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प एंड नॉलेजेबल लगा होगा। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। देख सकते हैं कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप पॉइंट छोड़ने के बाद, हम लोग कॉन्ट्रिंग करने के बाद सुपर इम्पोज कर लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा टेक्सचर ड्राइंग कैसे बैठा दे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक हर डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।